बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है हमारे पास ए यूनियन बी होल का कुलैयर इज इक्वल टू ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। पहले इसका प्रूफ करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे जिसमें हम इन दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ ठीक है, हम जानते हैं कि वी नाउ डैट ए कुलैयर सबसेट होता है ए यूनियन बी होल के कुलैयर के। ठीक है, और इसी तरह बी कुलैयर सबसेट होता है ए यूनियन बी होल के कुलैयर के। अब ए कुलैयर सबसेट है ए यूनियन बी होल का कुलैयर और बी कुलैयर सबसेट है ए यूनियन बी होल का कुलैयर, तो ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर बी सबसेट होगा ए यूनियन बी होल का कुलैयर। ठीक है, अब इस थ्योरम को हमने इस तरह प्रूव करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करना है। जब ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये अब हमने ए यूनियन बी, ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर को सबसेट प्रूव कर दिया ए यूनियन बी होल के कुलैयर में। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि ए सबसेट होता है ए के कुलैयर का। ठीक है, यानी हर सेट अपने सब कुलैयर का सबसेट होता है, बी सबसेट होता है बी के कुलैयर का। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट और राइट साइड का यूनियन लें आपस में तो फिर भी ये यही कंडीशन आएगी, ए यूनियन बी सबसेट होगा ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। ये हमने इन दोनों से ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास राइट साइड में ये जो हमारा सेट आएगा, ये हमारे पास क्लोज सेट आएगा, क्योंकि ये क्लोज सेट्स का यूनियन है और क्लोज सेट्स का यूनियन हमेशा क्लोज होता है। ठीक है, तो बिकॉज ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर इज ए क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट अब मैं लिख रहा हूँ कि इफ एफ इज ए क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए देन ए सबसेट होता है ए के कुलैयर के और वो सबसेट होता है एफ के। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एफ हमारे पास एक ऐसा क्लोज सुपरसेट हो जाए ए का, तो ये रिजल्ट जो है ये ट्रू होता है, ये होल्ड करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये तो एक तो हमारा ये क्लोज सेट है और ये क्लोज सुपरसेट भी है। ठीक है, क्लोज इस तरह है क्योंकि ये दो क्लोज सेट्स का यूनियन है और क्लोज सुपर सेट है, बाय द रिलेशन हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा एफ ये होगा और ए ये होगा। ठीक है, तो इस अगर रूल से हम इस रिलेशन को लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी होल के कुलैयर के और वो सबसेट किसका हो जाएगा, ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके ज़रिए लिखा ए की जगह इधर हमारे पास ए यूनियन बी आएगा और एफ की जगह आ जाएगा ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट है ए यूनियन बी होल का कुलैयर का और ए यूनियन बी होल का कुलैयर सबसेट है ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। अब मैं इस दोनों टर्म को अलग कर रहा हूँ, ए यूनियन बी होल कुलैयर सबसेट है ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर, इन दोनों को इधर लगा लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैं वन टू कह देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जानते हैं कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इस ये क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू हो जाता है बी। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी से अब हम करेंगे। अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, इसको अगर आप ए कह लो इसको बी कह लो, तो ए बी का सबसेट है, फिर बी ए का सबसेट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब मैं लिख रहा हूँ इन्हें ए यूनियन बी, ठीक है, होल कुलैयर इक्वल टू ए कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर। ठीक है, तो ये तो हमने थ्योरम किया है। ठीक है, थ्योरम को प्रूफ किया, मैं एग्जांपल करूँगा जिसमें हम ए यूनियन बी होल के कुलैयर को ए का कुलैयर यूनियन बी का कुलैयर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसे देखते हैं ज़रा। अब ये देखें, हमारे पास सेट एक्स है, ठीक है, और उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन है जिसको टा से डिनोट किया गया है। ठीक है, उसमें हमारे पास सेट्स हैं,
हमारे पास ए और बी सबसेट है एक्स का कोई, ठीक है, और अगर हम ए यूनियन बी ले लें तो बी सी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इधर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने करना है कि ए यूनियन बी होल कोलेयर ए इक्वल है ए का कोलेयर यूनियन बी का कोलेयर, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कोलेयर के लिए हमें क्लोज सेट्स चाहिए, तो पहले क्लोज सेट्स निकालते हैं। क्लोज सेट्स के लिए एक्स को टा के तमाम सेट्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे, तो हमारे दी क्लोज्ड सेट्स आर, ठीक है। एक्स माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा फाई, एक्स माइनस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, एक्स में से ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी डी, एक्स में से ए भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सी डी, ठीक है, एक्स में से ए सी डी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी, सॉरी बी, ठीक है, एक्स में से ए बी सी डी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई, अब एक्स में से ए बी ई निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए क्लोज सेट्स आ गए, ठीक है। अब पहले हम ए का कोलेयर निकालेंगे, ए का कोलेयर किसके बराबर हो, ए का कोलेयर क्लोज सुपर सेट्स के बराबर होगा, ए के क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन। अब ए के क्लोज सुपर सेट्स कौन से हैं, एक्स है, क्योंकि ए में हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट बी है ना, तो हमने इस सेट के क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा इंटरसेक्शन, और क्या आएगा बी सी डी, बी सी डी, और क्या आएगा इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो तीन थे ये सेट ए के क्लोज सुपर सेट थे, अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी और ई, ठीक है। अब बी का कोलेयर, बी के कोलेयर में हम सी ई का जो हमारा इसमें एलिमेंट है सी, ठीक है, अब बी के क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, उसके हमारे पास क्लोज सुपर सेट आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन, और कौन सा आएगा, और हमारे पास आ जाएगा बी सी ई के लेने हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन, और हमारे पास क्या आ जाएगा सी डी, ठीक है। ये तीन सेट है, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी डी ई, ठीक है। तो हमने ए कोलेयर भी फाइंड कर लिया, बी कोलेयर भी फाइंड कर लिया, अब हमने ए यूनियन बी होल का इसका कोलेयर फाइंड करना है, होल का कोलेयर, ए यूनियन बी होल का कोलेयर। अब ए यूनियन बी में जो हमारा सेट है इसके क्लोज सुपर सेट्स कौन से हैं वो देखेंगे, तो वो हमारे पास सेट आ रहा है उसमें एलिमेंट है बी सी, ठीक है, तो उसके क्लोज सुपर सेट आएगा एक्स इंटरसेक्शन, और हमारा आएगा बी सी डी, ठीक है। ये दो सेट्स उसके क्लोज सुपर सेट है, अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है बी सी डी और ई, ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ए यूनियन बी होल का कोलेयर बराबर है ए का कोलेयर यूनियन बी का कोलेयर। अब इधर पहले देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है ए का कोलेयर यूनियन बी का कोलेयर। अब ए का कोलेयर हमारे पास क्या है, ए का कोलेयर हमारे पास क्या आ रहा है बी यूनियन, ठीक है। अब बी का कोलेयर हमारे पास क्या आ रहा है सी डी ई, अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा बी सी डी, और बी सी डी ही, बी सी डी ही हमारा है ए यूनियन बी होल का कोलेयर। ये इक्वल किसके आ जाएगा ए यूनियन बी होल का कोलेयर, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है, ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जो हमने प्रूव करना था ना, ए यूनियन बी, ए का कोलेयर यूनियन बी, ए का कोलेयर बराबर है ए यूनियन बी होल का कोलेयर, ठीक है, यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसको इधर को, इसको पहले लिख लें तो फिर भी हो जाएगा, तो फिर आप इधर इसको, इधर आपको राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। अगर आप इधर को प्रूव करते हैं, अगर आप इस तरह लेते हैं तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको प्रूव कर लिया, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। आज की वीडियो इधर ही कम्प्लीट हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट थ्योरम पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी पहुंच सकें।
آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کہ اپنے والدین کی عزت کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔